गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका BMEE की हमारे लेक्चर नंबर 2 में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है सिविल फर्स्ट सेल का सब्जेक्ट है, और इससे पहले हमने जो है इसकी पहली क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। बच्चों, इस जो सब्जेक्ट है BMEE, इसमें दो पार्ट है, एक मैकेनिकल का पार्ट और दूसरा है इलेक्ट्रिकल का पार्ट। तो मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पार्ट से शुरुआत करता हूँ। बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पहला चैप्टर है, ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने आपको जो है BMEE के कुछ PDF नोट्स भेजे हुए थे, बस उसी को हमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए चलना है। बच्चों, जैसे हमने बताया कार्यकारी पदार्थ वर्किंग सब्सटेंस होता क्या है कि जैसे हमारा कोई ऐसे सिस्टम है, ठीक है, कोई अगर हमारे पास निकाय है उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा कार्य में और कार्य ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। अगर हमारा हम कह रहे हैं ऊष्मीय ऊर्जा जो है इसमें बदल रही है कार्य में, और कार्य क्या है ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा कार्य और कार्य ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित होता है, उस कारक को क्या कहते हैं, कार्यकारी पदार्थ कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। दूसरी हमारी जो डिफिनेशन है प्योर सब्सटेंस क्या है कि किसी भी पदार्थ में, समझ रहे हैं, किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक संघटन केमिकल कंपोजिशन की वैल्यू क्या है, समान है, स्थिर है। यानी हम बात करें कि ऐसा कोई पदार्थ जिसमें रासायनिक संरचना क्या हो, हमारी रासायनिक संरचना समान भी हो और साथ ही साथ स्थिर भी हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्योर पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अब हम बात करें बच्चों ऊष्मागतिकी नियम की, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है कि अगर हम क्या कहते हैं किसी भी ऊष्मीय गतिकी का अगर हम जो अध्ययन करते हैं वो किसी ना किसी एक विशेष पॉइंट या किसी विशेष सिस्टम पे किया जाता है, विशेष निकाय पे किया जाता है, जिस पर हम क्या करते हैं, जिसके लिए हम ऊष्मा का मान, ऊर्जा का मान क्या करते हैं, ऊर्जा का मान गणना करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इंग्लिश में अगर बताएं तो इंग्लिश में कहते हैं कि सिस्टम वेयर ए फोकस द स्टडी, मतलब जहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी को क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स निकाय कहा जाता है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स निकाय होते हैं बच्चों, इनको कई भागों में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो मेनली होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो तीन टाइप का होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, दूसरा क्लोज सिस्टम होता है, और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है बच्चों, ओपन सिस्टम एक ऐसा निकाय है जिसमें हमारा क्या होता है बच्चों, एनर्जी एंड एज वेल एज मास दोनों क्या हो रहे हैं हमारे, दोनों का ट्रांसपोर्ट, दोनों क्या हो रहा है, स्थानांतरित होना। मतलब हम बात करें कि ऊष्मा भी स्थानांतरित हो रही है और मास भी स्थानांतरित हो रहा है, तो ऐसे निकाय को क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम कहा जाएगा। क्लोज सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो रहा हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो रही हो लेकिन जो मास है वो क्या हो रहा हो, वो ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय कहलाता है। आइसोलेटेड निकाय के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आइसोलेटेड कोरोना के टाइम में आपने जैसा कि आइसोलेशन के बारे में सुना है, ऐसा निकाय जिसमें हमारा क्या हो रहा हो, एनर्जी एज वेल एज मास दोनों का क्या हो रहा हो, अगर दोनों भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो ऐसे निकाय को क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। इसका एग्जांपल बच्चों क्या है, जो हम ठंडी के दिनों में वाटर वाली बोतल लाते हैं, पानी गर्म करने वाली जो बोतल लाते हैं उसको, वो क्या होता है, इस आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, एग्जांपल होता है। जैसे हम बात करें इन कोल्ड सेशन वी हैव अ हॉट वाटर बॉटल। कितनी बात समझ आई बच्चों, हम बात करें ओपन सिस्टम की, ठीक है, ओपन सिस्टम में जो हमारे टरबाइन है बच्चों, है ना, टरबाइन के एग्जांपल हैं, पंप इनके एग्जांपल आते हैं।
क्लोज सिस्टम की अनुपात है जो क्लोज सिस्टम में जैसे बैटरी आ गई हमारी, जो भी हम बैटरी इन्वर्टर की बैटरी वगैरह यूज करते हैं वो सब इसमें आते हैं, क्लोज सिस्टम में आते हैं। तो इस प्रकार का जो हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में समझा और इसके एग्जांपल के बारे में बताया। अब हम बात करें बाउंड्री और सराउंडिंग की। जैसा कि बाउंड्री और सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो बाउंड्री और सराउंडिंग अंतर इतना है बच्चों कि जैसे अगर हमारे पास ये कोई हमारा कोई सिस्टम ए है तो सिस्टम ए के चारों तरफ यानी कि हम बात करें अगर हम डॉटेड डॉटेड जो लगा रहे हैं ये क्या है हमारा सिस्टम के चारों तरफ क्या है एक वातावरण है। किसी भी सिस्टम के चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण को क्या कहते हैं बच्चों सराउंडिंग कहते हैं। इतनी बात समझ में आई किसी भी सिस्टम के चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण को क्या कहा जाता है निकाय तत्व परिवेश यानी सराउंडिंग कहा जाता है। अब हम बात करें सीमा यानी बाउंड्री की। तो बाउंड्री क्या होता है बच्चों किसी भी सिस्टम में जो है किसी सिस्टम तथा सराउंडिंग दोनों को जो आपस में अलग करता है उसको हम क्या कहते हैं सराउंडिंग कहते हैं। इसका मतलब हम अगर ये बताना चाहें कि सराउंडिंग हमारा इस केस में क्या है तो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है जो ये डॉटेड डॉटेड है इसको क्या कहते हैं बच्चों सराउंडिंग कहते हैं। जैसे कि ये है सराउंडिंग में एग्जाम्पल। सीमा क्या है निकाय तथा उसके वातावरण को अलग करने वाले को क्या कहते हैं बाउंड्री कहते हैं। ये क्या है हमारी बाउंड्री है। ये एक सिस्टम है ये क्या है हमारा सराउंडिंग है। ये क्या है बच्चों सराउंडिंग है ना। और ये क्या है जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है हमारी बाउंड्री। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा वर्किंग सब्टेंस प्योर सब्टेंस और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम और हमने सीखा सराउंडिंग साथ ही साथ बाउंड्री। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इतना सीखा है हम और इसकी प्रॉपर नोट्स आपको मिली होगी और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक।